बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। और दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों? आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। आज मैं बना रहा हूँ लेफ्ट ओवर बैंगन। और दोस्तों लेफ्ट ओवर बैंगन आलू मैं बनाऊँगा, जो हमारे घर में चीज़ बची होती है हम उसको किस तरीके से दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए जो भी चीज़ें हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। मैंने स्पेशली जो है ना ये आपको दिखाने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए कि बैंगन थोड़े से अगर नरम पड़ जाएं, फ्रिज में रखे हुए हैं ऐसे, थोड़े से आपको लगें कि हम अब नहीं बनाएंगे, तो आप उसको बनाएं तो वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, ठीक है, ये बैंगन, ठीक है, ये थोड़े से ऊपर से नरम हो गए थे, ये मैंने कटिंग कर दी है, ये आप देख सकते हैं। तो आज हम इसी को तैयार करेंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। इसके लिए जो जो चीज़ें हैं वो मैंने रेडी रखी हुई हैं। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर आपको अपने मामा पापा से प्यार है तो आपने ज़रूर एक दफ़ा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबाना है, ऑल नोटिफिकेशन पर, इससे नेक्स्ट रेसिपी आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। आप दोस्त मुझे सपोर्ट किया करें, इग्नोर ना किया करें, एक दफ़ा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हर आफत से बचा करें, ठीक है। तो चलें दोस्तों अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज मैं बना रहा हूँ लेफ्ट ओवर बैंगन। ये देखें घर में मेरे ये मैं लाया था, तो ये तकरीबन फ्रिज में थोड़े से ये देखें नरम पड़ गए थे, ठीक है। इसको हम आज बनाएंगे, कोई मसला नहीं है, कोई ख़राब नहीं होते ये, ठीक है। जो नरम वाले हैं वो हमने ऊपर से पीसीज उतार दिए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक अदर पोटैटो था, ये मैंने छोटे छोटे पीसीस काट दिए हैं इस तरीके से, आपने भी छोटे छोटे पीसीस इस तरीके से काट लेने हैं, ठीक है। तो ये न्यू रेसिपी बनेगी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। इसके साथ साथ दोस्तों एक छोटा ऑनियन है, ये मैंने ले लिया है, और बैंगन आलू बनाएंगे बहुत ही स्पेशल। इसके साथ साथ दोस्तों ये मैंने टमाटो चटनी बनाई थी, ये डालेंगे इसमें, और ये मैंने रेड चिली और ग्रीन चिली बनाई हुई है, ये भी आप मेरी रेसिपी दे सकते हैं, ये भी डालेंगे इसमें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा जायका आएगा होममेड, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों ये मसाले हैं, हाफ टी स्पून नमक जाएगा, हाफ टी स्पून हल्दी जाएगी, ठीक है, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, हाफ टी स्पून दादरी मिर्च जाएगी, ठीक है, और हाफ टी स्पून ये जाएगा, ये देखिए धनिया पाउडर। ये मसाले हैं हमारे घर के जो स्पेशल होते हैं, ठीक है, यही मसाले हम डालेंगे। तो दोस्तों चलें बैंगन को जो है हम अच्छी सी शेप दे लेते हैं, जिस तरह की हमने बनाने हैं, जैसे कि हमने पोटैटो काटे हुए हैं, ठीक है, इस तरह ये पीसेस काट लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे दोस्तों, बहुत ही स्पेशल बनेंगे बैंगन। मैं आपको एक बैंगन काट के दिखाता हूँ, बहुत आसान तरीका है दोस्तों, आप जब ये बैंगन बनाएंगे तो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मजेदार बनेगा। ये देखें दोस्तों ये छोटे छोटे पीसेस हमने इस तरीके से काट लेने हैं, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों छोटे छोटे पीसेस बैंगन के काट लेंगे सारे। तो जी दोस्तों ये देखिए सारे बैंगन मैंने काट लिए, इस तरह से हम पीसेस छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे, ठीक है, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पेशल बैंगन बनेंगे न्यू तरीके के, और मैं कहता हूँ आपको खाने का भी बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों चलें इस तरफ हम अपना मसाला बनाएंगे। अब जी दोस्तों मैंने इसमें 2 टीस्पून जो है ये देखें घी डाल दिया इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें प्याज, ऑनियन, ये देखें ये काटा हुआ था, इस तरह आपने बारीक बारीक काटना है, ठीक है, और अब हम इसको थोड़ा सा लाइटली फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने दोस्तों फ्राई करना है। इसको थोड़ा सा लाइटली ब्राउन करेंगे। जी दोस्तों प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अब दोस्तों क्या करेंगे, ये देखिए ये जो टोमेटो चटनी हमने बनाई हुई थी, ठीक है, ये मैंने फ्रीज की हुई थी, ये सारी इस टाइम पे डाल देंगे, ठीक है, ये कम से कम खाने के 5 से 6 चम्मच है, इसको डाल देंगे, और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के हमारे जो है ना
लेफ्ट ओवर आलू बैंगन तैयार हो गए। इसको दोस्तों अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर ताज़े हैं टमाटो वो भी डाल सकते हैं, अगर दही है वो भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास ये जो टमाटो की चटनी है ये भी बहुत ही टेस्टी है। ये इसको जब डालेंगे, इसको बनाएंगे तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा। इसको दोस्तों अब मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे और उसके साथ साथ दोस्तों ये देखें, ये ग्रीन चिली और रेड चिली की जो हमने चटनी बनाई थी इसका एक चम्मच डालेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सिर्फ लेफ्ट ओवर रेसिपी इसलिए बता रहा हूँ कि घर में जब जो चीज़ें पड़ी हों आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, ये रेड चिली और ग्रीन चिली की ये देखें ये जो चटनी थी इसका एक चम्मच डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने टेस्ट के मुताबिक रेड चिली ग्रीन चिली ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइम पे आके ये देखें ये जो मसाले हैं, ठीक है, ये मसालों को सारा ये देखें ये सारे मसाले हम इस टाइम पे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मसालों का जो है ना ये बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इस दौरान देखें दोस्तों ये जो ये हमारे बैंगन लेफ्ट ओवर बैंगन और ये आलू हैं, ठीक है, पोटैटो ये इसका थोड़ा सा पानी है ये वाला ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे तरीके से मिक्स करके मसाले को अच्छे तरीके से हमने थोड़ा सा भून लेना। इसको मसाले को दोस्तों अच्छे तरीके से भून लेंगे। जी दोस्तों मसाला भी इधर हमारा तैयार हो गया है। अब दोस्तों क्या करेंगे ये देखिए, ये जो लेफ्ट ओवर बैंगन और ये हमारे पोटैटो है, ठीक है, अब हम इसको इसमें डाल देंगे। ये देखिए ये मसाले भी हैं हमारे लेफ्ट ओवर जो हमने घर में पहले से बनाए हुए थे, ठीक है, फ्रीज किए हुए थे, वो भी डाल दिए। मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और दोस्तों आज आपको नए तरीके से बैंगन आलू बैंगन मिलेंगे लेफ्ट ओवर। ठीक है, लेफ्ट ओवर बैंगन बहुत ही कमाल के बनेंगे। तो दोस्तों ये सारा ये देखिए बैंगन और आलू को डाल देंगे। एक समझ लें कि एक कप है इसमें पानी का, वो भी सारा डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके ये देखें अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स करना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मसाले की तो बहुत ही कमाल की खुशबूएं आ रही हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके एक ढक्कन लेंगे अच्छा सा, और ये देखें दोस्तों एक ढक्कन लेंगे और इसको ऊपर से ढाँक कर रख देंगे। अभी आपने स्टार्ट में आँच को तेज़ रखना है, फिर आपने मीडियम लो कर देना है। जी दोस्तों बिस्मिल्लाह करके आप चेक करेंगे, इसको कम से कम 5 से 7 मिनट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही कमाल की खुशबूएं आ रही हैं और हमारे बहुत ही कमाल के ये देखिए आलू बैंगन तैयार हुए हैं। तो दोस्तों आई होप कि अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को लगता है कि भाई ने बहुत ही सुपर बहुत ही मज़े की सिखाई है तो दोस्तों इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें थोड़ी सी नमी है, ये दोस्तों अभी ऐसे खुला करके हम इसको नमी को दूर करेंगे और बहुत ही स्पेशल बहुत ही मज़े की ये देखें बहुत ही मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेफ्ट ओवर आलू बैंगन तैयार हुए हैं। तो आप देख सकते हैं गौर कर सकते हैं ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आई होप कि अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को लगता है कि भाई ने बहुत ही अच्छी बहुत ही कमाल की स्पेशल सुपर सिखाई है लेफ्ट ओवर बैंगन आलू घर में पड़े हो तो दोस्तों आपने घबराना नहीं है। अगर आपको लगे कि ये थोड़े से नरम पड़ गए ऐसे हो गया, नरम वाले को काट लें आप बाकी बना लें। और मसाले भी हमारे जो लेफ्ट ओवर थे देखे, उसमें मैंने रेड चिली ग्रीन चिली की चटनी बनाई हुई थी और मैंने टोमेटो की चटनी बनाई हुई थी वो भी डाली और दोस्तों बहुत ही मज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आएगा इसका आलू बैंगन खाने का। इसको आप रोटियों के साथ चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों इसको एक दफ़ा मैं आपको चेक करवाता हूँ कि हमारे बैंगन आलू कैसे तैयार हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ दोस्तों मैं कहता हूँ वो जो टेस्ट है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल के हमारे ये देखें पोटैटो भी हमारे तैयार है ये देखें
और बैंगन तो आपके सामने है माशाल्लाह, ये देखें बहुत अच्छे तरीके से हमारे बैंगन आलू तैयार हो गए हैं लेफ्ट ओवर जो हमने बनाए हैं। तो दोस्तों अभी इसको 102 मिनट पका कर और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो जी दोस्तों अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पेशल हमारे आलू बैंगन आलू तैयार हुए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़े के लेफ़्ट ओवर हमारे बैंगन आलू तैयार हुए हैं। तो आई होप कि अगर आज के आपको बैंगन आलू पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही ग्रेवी वाले, ये देखिए बहुत ही मसाले वाले, ये देखिए तैयार हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बैंगन आलू आप दोस्तों को बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपने भी इस तरीके से बैंगन आलू बनाने हैं तो जल्दी करें, मेरे तरीके से बना लें। तो दोस्तों इसको आप डिश आउट करके अब खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसको आप चावलों के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे लेफ्ट ओवर बैंगन आलू बनकर तैयार हैं। अगर आज के लेफ्ट ओवर बैंगन आलू आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को पसंद आए हों तो दोस्तों इसको ज़रूर मेरे तरीके से बनाएं। अगर आप भी मेरे चैनल बनाएं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो दोस्तों एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये बहुत ही लाजमी है। एक आप दोस्तों का प्यार है और आपकी तरफ से भाई के लिए इनाम है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी होगी बहुत ही ख़ास होगी। आज की रेसिपी के बारे में, लेफ्ट ओवर बैंगन आलू के बारे में आपकी राय क्या है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी है बहुत ही ख़ास होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी खास रेसिपी में। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाया करें, इससे नेक्स्ट रेसिपी आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।